प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र नाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। आप लोग जो प्यार सने मुझको दे रहे हैं, जिस प्रकार से मेरे प्रोग्राम वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, मेरा भी पूरा प्रयास है कि आपको कुंडली तथा कुंडली के ग्रहों के तालमेल कैसे क्या रहता है ये ज्ञान प्राप्त करें। आप लोग के सहयोग के लिए मेरे प्रत्येक वीडियो में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर 9425308111 है। दोस्तों, ये नंबर मैं इसलिए देता हूँ कि कोई वीडियो संबंधी प्रश्न हो तो आप मुझसे करिए, मैं फ्री सेवा कर दूँगा। कोई मित्र, कोई सज्जन अपने कुंडली का विशेष विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करिए, उसके लिए कुछ फीस आपको देना होगा। फीस आप देंगे तो मैं आपके कुंडली का पूरा विवेचन करूँगा। आप लोग के फरमाइश पर आज एक नया वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। वैसे तो चंद्रमा पर कई वीडियो है, मगर आज आप लोगों ने फरमाइश किया है कि चंद्रमा प्रत्येक भाव में क्या प्रभाव देता है। मैं लग्न से लेके 12 भाव तक का प्रभाव बता रहा हूँ, इसको शांतिपूर्वक आप लोग सुनिए। जिस व्यक्ति के लग्न में चंद्रमा है, ऐसे लोग चिंतित विचार के होते हैं, उदासीन होते हैं, स्वास्थ्य की चिंता रहती है, उदर रोग होता है और सर्दी खांसी से संबंधित विकार होते हैं। जिस व्यक्ति का लग्न से दूसरे भाव में चंद्रमा हो, ऐसे लोग अचानक धन की प्राप्ति करते हैं, अच्छी उन्नति करते हैं, अपने यश नाम कीर्ति से पहचाने जाते हैं। जिस व्यक्ति के लग्न से तीसरे भाव में चंद्रमा हो, ऐसे लोग उदार होते हैं, दयालु होते हैं, भावुक होते हैं, परंतु माता पिता के विचारों से मतभेद रहता है। जिसके कुंडली में लग्न से चौथे घर में चंद्रमा हो, ऐसे लोग गुप्त विद्या के ज्ञाता होते हैं, ऐसे लोग कलाकार होते हैं, ऐसे लोग साहित्यकार होते हैं, ऐसे लोग दूरदर्शी होते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से पांचवें भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, ऐसे लोग की शिक्षा में रुकावट आती है, उन्नति में रुकावट आती है, सोच इनके अच्छे नहीं होते हैं, मानसिक तनाव में जाते हैं। जिनके कुंडली में लग्न से छठवें भाव में चंद्रमा बैठा हुआ हो, ऐसे लोग शंकित विचार के होते हैं, दिमाग इनका चलायवान होता है, हर विषय पर शंका करते हैं, जिसके कारण ये शत्रु अधिक पैदा कर लेते हैं और शत्रु के कारण परेशान रहते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से सातवें भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, ऐसे महिला है तो योग है तो योग पति की प्राप्ति करती है, पुरुष है तो योग पत्नी मिलता है, कुंवारे लड़का लड़की इच्छानुसार शादी करते हैं, ऐसे लोग जीरो छोटी सी नौकरी करके आगे बहुत आगे निकलते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से आठवें भाव में चंद्रमा हो, ऐसे लोग जीवन में सर्दी खांसी कब्ज के बीमारी से परेशान रहते हैं, आँख संबंधी रोग होता है और ऐसे लोग परिश्रम का सही लाभ नहीं ले पाते। जिसके कुंडली में लग्न से नौवें भाव में चंद्रमा हो, ऐसे लोग अधिकारियों से विवाद करते हैं, राजनीति में असफलता प्राप्त करते हैं, ऐसे लोग अचानक धन बर्बाद हो जाता है और परिश्रम का सही लाभ नहीं मिलता है, इनका भाग्य उदय नहीं जल्दी नहीं हो पाता है। जिसके कुंडली में लग्न से दसवें भाव में चंद्रमा हो, ऐसे लोग सरकार से पूजे जाते हैं, राजनीति में सफलता पाते हैं, अचानक धन की प्राप्ति करते हैं, अपनी पहचान स्वयं बनाते हैं, किसी पर आश्रित नहीं रहते हैं और जीवन का सफल होता है। जिसके कुंडली में लग्न से ग्रह में भाव में चंद्रमा हो, ऐसे लोग स्वतंत्र विचार के होते हैं, व्यापारी होते हैं, उद्योगपति होते हैं, ऐसे लोग खिलाड़ी होते हैं और होते से पद से उच्च पद की प्राप्ति करते हैं तथा जीरो से हीरो बनते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से 12वें भाव में चंद्रमा हो,
ऐसे लोग के चौथेपन अच्छे नहीं जाते हैं, ऐसे लोग कर्जदार हो जाते हैं, ऐसे लोग के संतान के विचारों से मतभेद आता है, मानसिक तनाव मिलता है और स्वास्थ्य के कारण हमेशा ये मानसिक पीड़ा में जीवन को व्यतीत करते हैं तथा आखिरी समय इनका कष्टकारक होता है। ये छोटा सा वीडियो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, चंद्रमा लग्न से 12 भाव में किस किस प्रकार का लाभ, किस किस प्रकार का हानि देता है, इसको सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझे संपर्क करिएगा, मैं प्रयास करूँगा आपका उत्तर देने के लिए। इतना करके वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।